दोस्तों, एमएस वर्ड में हम किसी भी शॉप का बिल बुक कैसे बनाते हैं, तो ये सब जानने के लिए वीडियो में बने रहिए अंत तक। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे। सबसे पहले एमएस वर्ड ओपन कर लेना है और आपको यहाँ पर जो पेज है उसका मार्जिन ले लेना है। आपको पेज लेआउट टैब में जाएंगे, यहाँ से मार्जिन हम ये ले लेते हैं नैरो वाला। ये जो मार्जिन है वो हमने सेट कर लिया। इसके बाद आपको एक टेबल इंसर्ट करनी है। इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से एक टेबल ले लेंगे। टेबल हम किसी भी तरह से ले सकते हैं। मैंने टेबल का स्पेशल एक वीडियो बना दिया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट टेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मुझको चार कॉलम चाहिए और रो चाहिए 8, और ओके कर देता हूँ। एरो है, इसको यहाँ पे ले जाना है, ये जो रो वाली लाइन है। तो जैसे यहाँ पे एकदम सेंटर में ले जाओगे तो आपको अप डाउन वाला एरो का आइकन शो हो जाएगा, फिर आपको एक ऐसे ड्रैग कर देना है। आपका जो कर्सर है वो टेबल में होना चाहिए, तभी आपका जो डिजाइन वाला टैब है शो होगा और आपको ये ऑप्शन है इरेजर वाला शो होगा। तो यहाँ पर इरेजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको ये कॉलम इनको इरेज कर देंगे। अब सबसे पहले आपके जो कर्सर है इसको सेंटर में ले लेना है, होम टैब पे आएंगे और यहाँ से सेंटर पे ले लेंगे इस तरह से। अब आपको यहाँ से टाइप कर देना है टैक्स इनवॉइस, ठीक। अब आपको यहाँ पर आपके जो शॉप का नाम लिख देना है इस तरह से। अब आपको यहाँ पर एड्रेस दे देना है। आप अपना मोबाइल नंबर भी देना चाहते हो तो आप यहाँ पर कॉर्नर में दे सकते हो। अब आपको आप अपनी शॉप में क्या क्या सेल करते हो वो सब यहाँ पर लिख देना है। और अब आप इसको डेकोरेट करना है, सजाना है, तो आपको यहाँ से जो महिमा मोबाइल फ़ॉन्ट ये जो नाम है शॉप का, इसको इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो हम एकदम बड़ा कर देंगे। यहाँ से आप यहाँ से भी कर सकते हो, होम टैब में आकर के जितना बड़ा चाहो कर सकते हो, ठीक। अब आप इसकी स्टाइल चेंज कर सकते हो। यहाँ से मुझे ये स्टाइल पसंद आई, ये ले लेता हूँ। इनको भी चेंज करना चाहते हो, बोल्ड करना चाहते हो तो कर सकते हो, और इसकी जो साइज़ है वो बढ़ाना चाहते हो हल्की सी तो बढ़ा सकते हो। इस तरह से छोटा करना है कर लेना है और यहाँ से बोल्ड कर लेना है, ठीक, ताकि देखने में अच्छा लगे। आप किस किस कंपनी का मोबाइल रखते हो या फिर जो भी प्रोडक्ट रखते हो तो उन कंपनियों का यहाँ पर लोगो सेट कर देना है। इसके लिए आपको इंसर्ट टैब में आना है और यहाँ से शेप ले लेता हूँ मैं ये, और यहाँ से ड्रॉ कर दूंगा इसको इस तरह से। और जो आपका एरो है उसको इस शेप के ऊपर रखना है और कंट्रोल प्रेस करके रखना है और इस तरह से ड्रैग कर देना है, इस तरह से ड्रैग कर दे जाना है, ठीक। जिस भी कंपनी का लोगो लगाओगे आप तो उनको गूगल से ऑलरेडी डाउनलोड करके रखना है आपको, तो मैंने पहले से ही कर लिया है। तो इस पे क्लिक कर दूंगा, इस सेव पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे जाऊंगा सेव फिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर पिक्चर्स का ऑप्शन शो हो रहा है तो इस पे क्लिक करूंगा। तो जहाँ भी मेरा पिक्चर है वहाँ से मैं इसको टेक आउट कर लूंगा और यहाँ पे सेट कर लूंगा। आपका जहाँ भी हो वहाँ से कर लेना है आपको। सैमसंग ले लेता हूँ मैं। इसके बाद फिर तो इसके लिए हम दूसरी शेप लेंगे, इसको डिलीट कर देंगे और इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ से शेप लेंगे ये रेक्टेंगल वाली, यहाँ से इसको ड्रॉ कर देंगे क्योंकि इसका लोगो है वो इसी साइज में आने वाला है। तो ये ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर से फॉर्मेट टाइप सेलेक्ट होना चाहिए और यहाँ पे सेव फिल वाले ऑप्शन पर पिक्चर्स पे मोटोरोला के नाम से मोटोरोला लेंगे और इंसर्ट कर देंगे, ये आपका मोटोरोला आ गया। इसी तरह से अगर और भी कोई मोबाइल आप रखते हो शॉप में तो वो यहाँ पर इस तरह से लगा देना। अब जो इसकी आउटलाइन है वो हटा देते हैं हम। फॉर्मेट टैब होना सेलेक्ट होना चाहिए। इसके बाद ये ऑप्शन है सेव आउटलाइन वाले, इस पर क्लिक करेंगे नो आउटलाइन, यहाँ पे भी हम नो आउटलाइन इस तरह से। जो बाहर जो बॉर्डर है ये सेव का, ये हटाना है मतलब आपको इस तरह से, ताकि जो देखने में थोड़ा बेहतर लगे, वो सब हटा देना है इस तरह से। आपको इनको थोड़ा सेंटर में कर देना है इस तरह से। कंट्रोल के साथ आपको प्रेस करना है लेफ्ट राइट एरो की, ऊपर नीचे करना है तो अप डाउन एरो की प्रेस करना है कंट्रोल के साथ। इस तरह से इनको एडजस्ट कर लेंगे। अब आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर ये वाली जो रो है इसको इस तरह से थोड़ा इसका साइज बढ़ा देना है और थोड़ा कम करते हैं इस तरह से। और फिर से टेबल पर क्लिक, टेबल में क्लिक करना है और आपको यहाँ पर इंसर्ट वाले टैब में जाना है, यहाँ से डिजाइन वाले टैब में आना है और आपको यहाँ पर इरेजर का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से क्लिक करके जो कॉलम है इनको इरेज कर देना। अब आपको यहाँ पर लिख देना है नंबर या फिर सीरियल नंबर, जो भी आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो। अब इसके बाद आपको यहाँ पर लिख देना है
कस्टमर नेम, डेट और डाल देनी है ऊपर ही ऊपर। आपको जो कर्सर है इसको इस कॉर्नर में ले आना है इस तरह से, और यहाँ पे इस तरह से डेट डाल देनी है। यहाँ पर हम डेट डाल देंगे, डेट डेट को ऑप्शन होगा। ठीक, यहाँ पे आपको कस्टमर का एड्रेस, यहाँ पे पिन कोड और ले लेते हैं। इससे पहले आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है। ये सब सेट हो गया, इसको थोड़ा और हम अब इनको क्या है सबको सेलेक्ट करके इसका जो स्पेस है वो बढ़ा देना है ताकि इसमें एडजस्ट हो जाए पूरी जो सेल है हमारी। इसमें स्पेस बढ़ाने के लिए आपको होम टैब में आना है और यहाँ पर पैराग्राफ ब्लॉक में दिया गया है स्पेस वाला ऑप्शन, तो यहाँ से आप स्पेस को घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे इतना कर देते हैं ताकि इसमें एडजस्ट हो जाए। इसके बाद आपको आ जाना है यहाँ पर और इसको सेलेक्ट कर लेना है पूरी सेल को ही, और यहाँ पर जो सेंटर कर देते हैं आप जो टेक्स्ट हम लिखेंगे उसको सेंटर वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे ताकि जो हमारा कर्सर है वो सेंटर आए। तो यहाँ पे आपको लिख देना है क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शंस ऑफ गुड्स, इसमें आपको डाल देना है रेट पर पीस जो भी है आपकी, वैसे तो अलग अलग होती है। इसमें डालना है अमाउंट, यहाँ से बोल्ड हो गया, और साइज बढ़ा लेते हैं इसकी। अब आपको यहाँ से फिर से इसको पकड़ के ड्रैग कर देना है इस तरह से, जितना बड़ा आप बिल लेना चाहते हो। अब मुझे ये जो कॉलम है ये एडजस्ट करने है, इस तरह से होने चाहिए। इसको थोड़ा छोटा कर दे ताकि निचला पेज है इस पे ना आए, इस तरह काफी है ये तो। इसके बाद आपको आना है नीचे, टेबल में आपका कर्सर होना चाहिए, इंसर्ट टैब पे जाएंगे, डिजाइन टैब में आएंगे, यहाँ से इरेजर वाले ऑप्शन पे आकर इनको इरेज कर देंगे जो भी कॉलम है। इरेज हो गए, इस पर वापस क्लिक कर देंगे और हमको ये सेट करना है। तो नीचे आपको यहाँ पर डाल देना है, इनको इरेज कर देंगे यहाँ से इस तरह से। जितना आपको इरेज करना है वो कर सकते हो। अब आपको लिख देना है यहाँ पे आपको टाइप करना है, तो साइज बढ़ा लेता हूँ। इस तरह से अब आपको यहाँ पे अपने जो शर्तें होती है वो डाल देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मोबाइल में कोई भी खराबी होने पर अगर आपको भी इस तरह की टाइपिंग सीखनी है तो एंड स्क्रीन में इसका लिंक मिल जाएगा वीडियो का, तो आप आसानी से इस तरह की टाइपिंग सीख सकते हैं। आई बटन पे भी दे दूंगा वीडियो का लिंक, तो वहां से भी आप देख सकते हैं इस वीडियो। अब आपको इसको और थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। अब नीचे यहाँ पे आपको दे देना है कस्टमर साइन,
उसके बाद आपके कर्सर को यहाँ पे ले आना है इस कॉर्नर पर। और यहाँ पे भी आपकी जो दुकानदार है उसका सिग्नेचर वाला, अब आपका जो बिल बुक है वो बनकर एकदम तैयार हो चुका है। तो गाइस इस तरह से आप बिल बुक बना सकते हो। अब जैसे कि इसमें छोटी मोटी कमियां रह जाती हैं तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, और आप इससे भी बेहतर जो बिल बुक है वो बना सकते हो और इसका प्रिंट ले सकते हो आप। इस अब इसकी जितने भी आप प्रिंट लेना चाहो वो ले सकते हो। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि ऐसे लेटेस्ट वीडियो आपको देखने को मिलते रहे। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। आज के लिए सिर्फ